नमित जैन जी से अनुरोध करूंगी कि उनकी अगुवाई कर उन्हें सादर मंच पर लाने का कष्ट करें और आज के इस सेशन में उनसे बातचीत करेंगे स्वराज एक्सप्रेस के पॉलिटिकल एडिटर श्री रूपेश गुप्ता जी। मैं उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं। तो लीजिए अब ये मंच हम सौंपते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और मॉडरेटर के रूप में उनके साथ हैं श्री रूपेश गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। बात है स्वाभिमान के इस खास सेशन में जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं। दो साल कल वो अपनी सरकार के पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन इन दो सालों में छत्तीसगढ़ एक वैकल्पिक मॉडल विकास का बन करके उभरा है जिसकी मिसाल दूसरे राज्यों में दी जा रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जब डेवलपमेंट का जो ट्रेडिशनल मॉडल है उस मॉडल के उलट क्या इस मॉडल से विकास के रास्ते पर ज्यादा बेहतर और ज्यादा लोगों को साथ में लेकर के जाया जा सकता है। हमारे साथ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सीएम साहब, पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप पाटन से आते हैं, पाटन के एक किसान हैं, पाटन के जो किसान है भूपेश बघेल उनका कितना सपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया है दो सालों में? देखिए जिन बातों का हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते थे, एक किसान के रूप में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से खेती हो और किस प्रकार से शासन का सहयोग मिले, तो जिन समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़े थे, आज जब अवसर मिला तो वो सारे काम कर रहे हैं जो उस समय महसूस करते थे, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो। हम लोग उस समय किसान आंदोलन भी खूब करते थे कि हमें समर्थन मूल्य में खरीदी हो, फिर आंदोलन भी ये करते थे कि बाघ नदी बॉर्डर तक के हम लोग जाते थे, आंदोलन करते थे हमको दूसरे प्रदेश में बेचने, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा कीमत है, हमारे यहाँ कम कीमत है। वो दौर था जब इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति की शुरुआत की थी जी, और किसान उसमें पूरे देश के किसानों ने लगकर उत्पादन शुरू किया, फिर भी उस दौर में जितनी अनाज की आवश्यकता होती थी उतनी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो सरकार राज्य सरकार उसमें बैरियर लगा देते थे कि आप हमारे ही प्रदेश में धान बेचेंगे, और उस समय ये व्यवस्था भी थी कि समर्थन मूल्य से नीचे यदि हो तो सरकार खरीद देती थी। आज उलट स्थिति है, भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है लेकिन समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती। उस समय समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत हमको महाराष्ट्र मिलता था क्योंकि वहां धान उत्पादन नहीं होता लेकिन राइस मिले थी, हमसे यहां से 50 रुपये 100 रुपये ज्यादा कीमत वहां मिलता था, हम लोग बेचने जाते थे, तो उस स्थिति में हम लोग आंदोलन करते थे। तो आज स्थिति ये है कि यहां कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में हमने कहा कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे और उसे पिछले सरकार के यदि हिसाब से चलते तो चुनाव साल बोनस और 3 साल कोनस तो हम लोग अभी नहीं देते, लेकिन हमने कहा कि चाहे कोई परिस्थिति हो हम किसान को अन्नदाताओं को जो वादा हमने किया है, जो हमारे सबको भोजन उपलब्ध कराने का काम हमारे अन्नदाता करते हैं उसके साथ जो वादा किए थे उसमें हम पीछे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार ने अड़ंगा लगाई कि आप यदि बोनस देंगे तो आपके यहां से चावल नहीं खरीदा जाएगा, एफसीआई के माध्यम से खरीदी नहीं होगी। तो फिर कृषि मंत्री जी बैठे हैं, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, इनके साथ हम लोग दिल्ली गए, कृषि मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले, सबसे हमने कोशिश की भाई कि हमारा चावल लो। जबकि आपको याद होगा कि यूपीए की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने बोनस भी दिया था और समर्थन मूल्य में वृद्धि, इनके शासनकाल में तो 50 रुपये बढ़ जाए तो बड़ी बात है,
जबकि मनमोहन सिंह के समय जब वो प्रधानमंत्री पद संभाले तब 550 रुपया था, वो सीधा बढ़ा के 900 रुपये, 950 रुपये के, उसमें 900 रुपये के बाद 50 रुपये बोनस भी दिया उन्होंने। तो ये काम कांग्रेस शासन काल में हुआ, यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने उसको समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। और जिस प्रकार से अभी कृषि और जल संसाधन मंत्री ने जो बातें कही कि हम सिंचाई रकबा बढ़ाना चाहते हैं, किसान को केवल हम समर्थन मूल्य नहीं, हम केवल राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं, बल्कि उसकी सिंचाई, उसके हाथ में पानी कैसे हो, किसानों के हाथ में पानी दे दो तो रोजगार अपने आप वो पैदा कर लेता है। तो ये सारी योजना एक साथ हम लोग संचालित कर रहे हैं ताकि हमारे जो अन्नदाता, ये छत्तीसगढ़ जो किसानों का प्रदेश है, वो खुशहाल रहे, संपन्न रहे, तो छत्तीसगढ़ खुशहाल रहेगा। चलिए, ये तो थी किसान और मुख्यमंत्री की बात, लेकिन हमने देखा है संघर्ष करते हुए 5 साल आपको लगातार विपक्ष के नेता के तौर पर और फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ये जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हैं, जो उनकी छवि है या जो उनका जो डिमांड था, यानी कि जो उनकी मांगे थी, उनकी जो सोच थी, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की इन 2 सालों के दरमियान कोई टकराहट हुई? टकराहट हुई तो क्या ऐसे भी मौके आए जब प्रदेश अध्यक्ष को, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, तो वापिस आना पड़ा, वो जो प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे और मुख्यमंत्री पूरा न कर पाए हों? देखिए, संघर्ष तो उस समय था और संघर्ष अभी भी है। उस समय जो संघर्ष करते थे लोगों के हक दिलाने के लिए, कैसे लोगों के हक छीना जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शहरी मतदाता हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, जी सबके लिए हमने संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि उन वादों को जो हमने किया, जिन बातों के लिए लड़ाई हमने सड़कों पे की थी, वो सब चीज मिले, इसके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा इस कोरोना काल में किस प्रकार से सारे लोगों को हमने जुटा के लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, हर वर्ग के लोग, सामाजिक संगठनों को भी, सबको साथ में लेके, व्यापारी, उद्योगपति, सबको साथ में लेके जो लड़ाई लड़ी, तो देखिए कि आज हर मामले में छत्तीसगढ़ ऊपर है। तो संघर्ष पहले भी था, संघर्ष आज भी है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष जारी है। लेकिन जो वादे हैं वो लगातार पूरे होते जा रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कि 24 वादे पूरे कर लिए, तो ये क्या कोई, जब आप सीएम बन रहे थे या फिर आपकी पार्टी सत्ता में आई, तब कोई रोडमैप तय किया था कि 2 साल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर करना है? बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोगों ने सोचा था तो वो बहुत व्यवहारिक, हर वर्ग की समस्या को हमने उनसे बात की थी, उस समस्या का कैसे निदान होगा इसके बारे में हम लोग मंथन करते रहते थे, और आज जब अवसर मिला तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। भले ये बात अलग है कि अधिकारियों को बताने में, समझाने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन उसको सारे हमारे लोग मंत्रिमंडल में देखेंगे, सारे लोग तपे तुपाए हैं, अनुभवी लोग हैं, मध्य प्रदेश के समय भी मंत्री थे और छत्तीसगढ़ बने तब भी उस समय मंत्री थे। उस समय तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नए ढंग से, नए सिरे से काम करना था। उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मंत्रिमंडल में, उस सबका साथ लेके, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए सारे चीजों हम लोग क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। पहले तो जब बोले कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो अधिकारी लोग पूछे नरवा क्या होता है सर, ये गरवा क्या है, घुरवा क्या है, बाड़ी क्या है, एक एक को बताते थे, डायरी नोट करते थे कि नरवा का मतलब ये होता है, तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बनाए NGGB। तो उस दौर से गुजर के आज अब मुझे खुशी होती है कि जब अधिकारी लोग अपने ट्विटर में डालते हैं कि हमारा जो नाला है, हमारा जिला है, वाटर रिचार्जिंग में देश में टॉप किया है, हमारे सेकंड आया है, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को तब तक ये समझ नहीं आया था कि वाटर रिचार्जिंग करना कैसे है। जी, वन मंत्री जी बैठे हैं, उनके साथ कितने हम लोग वर्कशॉप किए, जल संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं, सारे लोगों के साथ बैठ के कैसे ढंग से इसको काम को अंजाम देना है, और आज देश में पहला और दूसरा स्थान वाटर रिचार्जिंग में हमारा प्रदेश स्थान पाया है। चलिए, ये तो बहुत बधाई इसके लिए कि लगातार आप एक के बाद एक
सम्मान मिलते जा रहा है। ये जो 24 वादे हैं आपके, जिनको आपने अभी तक पूरा कर लिया है, आपको सबसे ज्यादा कौन सा वादा ऐसा है जो पूरा करने में आपको सुकून मिलता है या ये लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जब आम जनता के आंखों में चमक दिखाई दे, उसके चेहरे में मुस्कान दिखाई दे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज देख सकते हैं कि किसानों के चेहरे में चमक है, आदिवासियों के चेहरे में चमक है, हमारे माताओं बहनों के चेहरे में चमक है, और सबसे बड़ी बात है गाय माता हमको आशीर्वाद दे रही है। चलिए, इंसान तो इंसान, पशु भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार जो है, शायद पता नहीं चमक है कि सवाल है कि आशंका है, उन्होंने ब्यौरा मांगा है कि जो किसान न्याय योजना है उसका ब्यौरा दीजिए, क्या वजह लगती है आपको? भारत सरकार ब्यौरा मांग सकती है और हम लोग देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई, हमको 2500 रुपये देने से आपने रोका, हमने भारत सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों को हमने समझाने की कोशिश की, हमारे जो भौगोलिक और जो मौसम की जो परिस्थिति है, तो छत्तीसगढ़ में हम धान के अलावा कोई दूसरा फसल बरसात में ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के मानसून यहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून भी है, हमारे जो मुंबई से जो मानसून होकर आता है वो मानसून भी हमारे यहाँ आता है, तो इस प्रकार से हम बरसात में कोई फसल नहीं ले सकते। पानी खूब बरसता है, हमारे यहाँ नदी नाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिंचाई क्षमता क्या है इसके बारे में चौधरी जी आपको बता के जा चुके हैं, तो सिंचाई है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे किसान एक फसल ले पाते हैं और एक फसल में भी एक पानी भी कमी हो गई तो फिर फसल चौपट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने कहा 2500 रुपये देंगे, उसको मना कर दिया गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा में कालिया योजना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतु कार्यक्रम चल रहा है, भारत सरकार खुद ही 2 एकड़ से कम जमीन वालों को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया दे रहे हैं। तो जब वो केंद्र सरकार खुद ही दे रही है 6000 रुपया, तो फिर हम अपने किसानों को यदि दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, हम जवाब दे देंगे। नहीं, लेकिन वो लगातार सवाल उठाते रहे जिसका जिक्र आपने कई दफे किया है कि वो इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा राशि है वो ना मिले, या आप लोग लगातार कहते भी आए। उनकी जो सोच यही है कि यदि ये बोनस के रूप में इसको सिद्ध कर दें तो हम उसका चावल लेने से हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे होने नहीं देंगे। हमारी योजना है, ये तो योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, आपने रोक लगाई ठीक है, हम अपने किसानों को, अपने आदिवासियों को हम यदि देते हैं, जैसे समर्थन मूल्य में 17 रुपये घोषित किया महुआ का, इस साल हम लोग 30 रुपये में खरीदे, तो भारत सरकार ने खुद ही बढ़ा दिया समर्थन मूल्य, तो हम तो आगे आगे चल रहे हैं, फिर पीछे पीछे भारत सरकार भी हमारी योजना फिर अनुसरण करती है। मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो धान खरीदी की व्यवस्था है वो देश में हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से फ्री। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशुआ है, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशुआ। श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल, कोविड पेशेंट के आइसोलेशन एवं ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। यूनिट 1 ओल्ड धमतरी रोड सेजबहार, यूनिट 2 ओल्ड धमतरी रोड डूंडा रायपुर। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल स्वाभिमान के, स्वाभिमान की, स्वाभिमान की बात है।
किसान न्याय योजना बने समाधान। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल उचित और सही देखभाल ही हमारी विशेषता है। पचपेड़ी नाका धमतरी रोड रायपुर छत्तीसगढ़। खरीद लें तो निश्चित रूप से जो गौपालक है वो चारा खिलाएगा ही, क्योंकि जानवर मवेशी है, बिना चारा खाए तो गोबर देंगे नहीं। तो उसको यदि गोबर खरीदेंगे तो चारा खिलाना पड़ेगा, और चारा खिला के उसे फिर बांधना भी पड़ेगा, और बांध के रखेंगे तो फसल भी हमारा बचेगा, रोड में एक्सीडेंट भी कम होगा। अब तो आप देखेंगे सड़कों में अब मवेशियों की संख्या में कमी आई है, और आने वाले वर्षों में देखेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उससे फिर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किए, वर्मी कंपोस्ट से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है, बहुत सारे हमारे स्व सहायता समूह के। अभी मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अंबिकापुर में एक स्व सहायता समूह की जो महिला है वो मुख्यमंत्री के मंच में बैठ के एक कंपनी की जो सीईओ है उसके साथ एमओयू कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है, और तप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जो हाथ मिलाया वो अद्भुत दृश्य था कि एक गांव के ग्रामीण महिला के जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इससे वर्मी कंपोस्ट बना के मुझे जो कमाई हो रहा है मैं कभी सोची नहीं थी। तो ये जो आर्थिक रूप से जो संपन्नता आ रही है लोगों में वो बड़ी बात है। गोबर बेच के कोई लोग स्कूटी खरीद रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कोई लोग और गाय खरीद रहे हैं। डेयरी वाले खूब, पहले तो डेयरी चलाना दूध बेच के मुश्किल हो रहा था, लेकिन गोबर बेच के डेयरी चलाना बहुत आसान हो गया। तो एक नया एक द्वार खुला है डेयरी उद्योग के लिए, दूध अब उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो फायदा होगा वो ये है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, दूसरा हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, और अनाज से फल से सब्जी से जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं और जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती है वो पूरा समाज उससे बचेगा। तो ये योजना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गोबर खरीदना केवल वो तो एक माध्यम है, लेकिन इतने सारी चीजों में परिवर्तन आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज इसी से जुड़ी हुई है कि जो छोटे डेयरी पालक हैं या फिर गौ पालक हैं जिनके पास 8 या 10 मवेशी हैं, चूंकि आपने व्यवस्था की है कि गौठान में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसको सोसाइटीज खरीदेंगी और फिर उसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पहले से इस चीज को बना रहे हैं, तो उनकी ओर से ये सवाल मांग उठी है कि हमारा भी वर्मी कंपोस्ट अगर सरकार खरीद ले तो हमको काफी मदद मिल जाएगी। देखिए, वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो किस क्वालिटी के है? हमारे यहाँ तो जितने भी सोसाइटियों में बन रहे हैं उसके वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद पहले एक ही लेब था, फिर हमने 7 लेब स्थापित किए हैं अलग अलग जिलों में, संभाग स्तर पे हमने 7 लेब स्थापित किए हैं, उससे क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक करने के बाद फिर उसको विक्रय की व्यवस्था है। तो उस दायरे में यदि आता तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको गोबर बेच देना, हमको कोई तकलीफ, गोबर बेच दे हम तो गोबर, चाहे वो डेयरी का हो चाहे सड़क का कोई उठा के लाए, कहीं भी गोबर ले आए हम खरीदेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के बारे में अभी तक के कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यदि स्वराज के तरफ से ये सवाल उठाया गया है तो निश्चित रूप से कैबिनेट में इस बात को रखेंगे, उसमें चर्चा होगी और जो उचित होगा फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि स्वराज के मंच से एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, और खासतौर से जो छोटे गोपालक है जो ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उनको इससे फायदा होगा। ग्राम सुराजी योजना जिसमें नरवा गरवा घुरवा बारी स्कीम आती है उससे आपका भावनात्मक जुड़ाव दिखता है, बार बार नजर आता है, कल भी आप जा रहे हैं और कहीं भी जाते हैं तो ये दिखता है कि गौठान का निरीक्षण करने जा रहे हैं। तो जो आइडिया के लेवल पे था गौठान और अब जा करके देख रहे हैं, तो लगातार 2 साल हो गए आपको, आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए या कुछ बदलने की जरूरत है? देखिए, हम लोग सब ग्रामीण परिवेश के हैं, गौठान किस प्रकार से, ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है हम लोग को बेहतर जानते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, चाहे वो चौबे जी हो चाहे और जितने भी ग्रामीण प्रवेश से जो लोग चुन के आए हैं, तो उसके दिमाग में जिन्होंने खेती किसानी की है, जिन्होंने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, वो सब वो व्यवस्था को, हर गांव की व्यवस्था को सब जानते हैं।
और उसी व्यवस्था को हमने पुनर्जीवित किया जो गांव में विलुप्त हो गया था उसको पुनर्जीवित किए हैं। गौठान बनाना, चरवाहे की व्यवस्था करना, अब नए चीज हमने शुरू किया है वर्मी कंपोस्ट बनाना। अरे गोबर तो पहले भी संग्रहित करते थे, एक समय था जब चौबे जी जब सरपंच थे तो आय का साधन केवल पंचायत जो बाजार है उसकी नीलामी और दूसरा जो गोबर गौठान के गोबर नीलामी उसी से लोग पंचायत चलाते थे जब वो सरपंच थे। अच्छा, दो ही आय साधन थे। लेकिन अब आय के साधन बदले, राजीव जी ने जो पंचायती राज की कल्पना की और सीधा दिल्ली से पैसा सब पंचायतों में आता है, तो निश्चित रूप से अब वो परिस्थितियां बदली है। लेकिन ग्रामीण व्यवस्था तो वही है लेकिन खत्म हो गया था, अब उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसे आजीविका सेंटर से हम जोड़ रहे हैं कि वो जो गौठान है उसमें एक एकड़ जमीन हम सुरक्षित करके उसमें जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना रहे हैं। बहुत सारे जिलों में, हर जिले में एक मॉडल बना हुआ है, हर हर ब्लॉक में अब वो मॉडल बनेगा और उसके बाद हर जनपद क्षेत्र में भी इस प्रकार से करेंगे। तो अभी मान लो हमारे पास 140 हमारे ब्लॉक हैं तो 200-300 के आसपास इस प्रकार के गौठान, मॉडल गौठान बने हैं जिसमें बहुत सारे गौठान हैं जो साबुन बनाने काम करते हैं। वनांचल में आप जाएंगे तो कुक्कुट पालन और बकरी पालन, सुकर पालन और मछली पालन का भी कहीं कहीं काम हो रहा है, कहीं साबुन बनाने का, कहीं अगरबत्ती बनाने का, कहीं गोबर से और दूसरी चीजें बनाने के। नगर निगम में जाएंगे तो गोकास्ट वगैरह बना रहे हैं, छेना बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गतिविधियां संचालित है जो उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है। तो जो गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की बात कही थी, आत्मनिर्भरता की जो बात कही थी, वो गांधी जी के जो ग्राम स्वराज है वही हमारा सुराजी गांव है, ताकि गांव के लोग अपने उनको काम के लिए कहीं बाहर जाना ना पड़े और गांव में ही सारी सुविधा उपलब्ध हो जो वो चाहते हैं, उस रोजगार के लिए भी, जो नौकरी करना चाहते हैं, बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो गांव में रहते हैं और उसके बाद उस खेती किसानी के बाद जो समय बचता है उसमें ये सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, उसे आय का अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा। वाकई में एक चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाजपा कहती है कि काम ठप पड़ा हुआ है, भाजपा का आरोप लगातार है। आपको क्या लगता है कि जो विकास का मॉडल है भाजपा उसको नहीं समझ पा रही है, कि जो व्यक्ति जो है वो प्रायोरिटी हो गया है, सिर्फ बिल्डिंग्स वो प्रायोरिटी नहीं है, या वाकई में प्रभावित हुआ है दूसरे कारणों से? देखिए, भाजपा का विकास का मॉडल तो अभी तक समझ नहीं आया। भाई सड़कें वहां बनी नई राजधानी में जहां कोई रहता नहीं, यहां से बिलासपुर जाना है वो सड़क 2006 से बना रहे हैं, बहुत साल तक कंप्लीट नहीं हुआ। यदि विकास के ही मॉडल है तो पूरे बिलासपुर संभाग, पूरे सरगुजा संभाग में सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। आप तो सरगुजा से आते हैं, सड़कों की स्थिति क्या है जी? तो फिर 15 साल में आप सड़क ही क्यों नहीं बना पाए? बिल्डिंग ऐसा कि सब जर्जर, जितने भी रायपुर, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, यहां जितने भी हाउसिंग बोर्ड के जो जितने भी कॉलोनियां बने हैं, कोई रहता है? किसी दरवाजा नहीं, किसी खिड़की नहीं, किसी पल्ला नहीं। तो ये विकास का मॉडल है आपका विकास, भारतीय जनता पार्टी की विकास केवल कमीशनखोरी का विकास मॉडल रहा है, जिसको रमन सिंह जी खुद स्वीकार किए कि एक साल कमीशनखोरी बंद कर दो फिर 25 साल राज करेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो विकास का मॉडल उनका ये है कमीशनखोरी। हमारे विकास के मॉडल में हमारा इकाई व्यक्ति है, चाहे वो जंगल में रहने वाले हों, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले या गोद में जो बच्चा है वो भी हमारी प्राथमिकता में है। हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं, हमने कहा था कि नक्सल से बड़ी समस्या हमारे कुपोषण है जी। जहां 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 41% महिलाएं जहां एनीमिया से पीड़ित हैं, 37.5% बच्चे कुपोषित हैं, तो नक्सलियों से बड़ी समस्या तो ये है, इससे लड़ाई हमको लड़ना है। यदि हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो नक्सली क्या किसी भी लड़ाई से लड़ लेंगे, वो खुद लड़ लेंगे। और ये मेरे ख्याल से फिर उसके बाद आपने बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जिसमें बस्तर पहले मॉडल के रूप में हमने दंतेवाड़ा जिला लिया, फिर बस्तर किया और 2 अक्टूबर को गांधी जी के 85 वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश को इसमें शामिल किया। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पहले 1 या 2% ही कुपोषण से लोग बाहर आते थे,
अब जो है वो 14% बच्चे इस कोरोना काल में भी 14% लोग कुपोषण से बाहर आए, 16% महिलाएं एनीमिया से बाहर आई। ये हमारी उपलब्धि है कि हम तेजी से ये कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, गरीबी से भी उसी प्रकार से लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसी कारण से देखिए मनरेगा में कितना काम हुआ, 25 लाख लोग, रमन सिंह की 15 साल में 15 लाख से एक आदमी अधिक काम नहीं किया इस समय कोरोना काल में, देश में हमने शुरुआत की सबसे पहले, और 25 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी 100 दिन से अधिक मजदूरी देने वाले हम सेकंड स्थान पे हैं जी। तो हम लोग, हमारा जो इकाई वो व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के उत्थान कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग उसको इकाई मान के उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस सारी योजना, चाहे किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, धान खरीदी हो, गोधन न्याय योजना हो, कुपोषण की मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ बस्तर और छत्तीसगढ़ हो, चाहे अभी जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, तो ये सब चीज क्या है कि व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम, ये हमारे एजेंडा में है। एक शराबबंदी का बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, संवेदनशील मसला है, लेकिन मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। बिहार चुनाव के दौरान करीब एक पखवाड़े तक मैं वहां रहा, पूरे बिहार में बड़े हिस्से में कम से कम 2-1 हजार किलोमीटर की मैंने यात्रा की, जगह जगह जाकर के लोगों से मुलाकात की। मैंने ये देखा कि शराबबंदी सिर्फ नाम का है, और शराब वहां पे दूसरे स्टेट जहां पे शराबबंदी नहीं है उससे ज्यादा इजी अवेलेबल है, तस्करी भी है। उसके अलावा सबसे जो दुर्भाग्यजनक उसका पहलू है कि वहां पे चूंकि बेरोजगारी ज्यादा है तो युवा बहुत बुरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, और हजारों की संख्या में लोग जेल में भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बिहार में शराबबंदी का मॉडल हुआ, चूंकि आपका चुनावी वादा था, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि इसको नए नजरिए से देखने की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि हम शराबबंदी भावनात्मक रूप से लागू कर दें और इसका खामियाजा उल्टा भुगतना पड़ जाए। तो आपने एक और लाइन नहीं बताई, कितने लोग जेल में बंद हैं? हजारों की संख्या में, लगभग 3,25,000। अभी शराबबंदी निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, और इससे परिवार को बड़ा नुकसान होता है, महिलाएं इससे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। शराब पी के पति आ जाए तो पत्नी डरी रहती है, समी रहती है, बच्चे किसी कोने में रहते हैं। तो निश्चित रूप से शराब छूटना चाहिए लोगों का जी। अब सवाल इस बात का है कि हमारे पास गुजरात मॉडल है, हमारे पास बिहार मॉडल भी है। अब इस बीच में हमको अपने सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा, और इसलिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि जब तक समाज आगे फेवरेट राजश्री पान मसाला रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल विकास के चार चिन्हारी कोरोना महामारी लेकर पढ़ाई तुम्हर दुआरी इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के औद्योगिक नीति संग
विकास लो रोजगार का सुविधा बिजली के बिल हवा हो गया बनवा सीना फट्टा दे के जतन कर इस पहचान के बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ अभिमान के वन के उपज के खरीद से चमके वन अंचल मुस्कान से तीजा तिहार पूरा बनाई सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर कोमल और ब्राइट तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर कम अबॉर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स जॉइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-2602 उस स्थिति से राज्य को अब आगे ले जाना है क्योंकि वैक्सीन भी आ जाएंगे तो दो सवाल है मेरे वैक्सीन को लेकर के क्या योजना है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे जो उसकी गाइडलाइन होगी या अपनी ओर से भी इनिशिएटिव करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं हमको कौन सी कंपनी की का वैक्सीन मिलेगा ये भी एक सवाल है और जो दूसरी चीज है कि जो इकोनॉमी हालांकि छत्तीसगढ़ ठीक है लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ेगा जो सोसाइटी में बदलाव आए हैं वहां से अब आगे ले जाने की चुनौती है तो इसको लेकर के क्या योजना है आपकी देखिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण के दर में कमी आई है लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा बढ़ा है और वो चिंताजनक है और इसमें इसीलिए अभी भी मैं आपके माध्यम से स्वराज के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि ये टेस्टिंग है उसको कराना चाहिए क्योंकि हम सर्दी खांसी समझ के उसे डिले कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि कोरोना हो गया तब तक हमारे बहुत नुकसान हो चुका होता है और ऐसे इस कारण से ये मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है तो जिसको भी थोड़ा भी सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसको जांच करा लेना चाहिए और जांच कराने से बचाव किया जा सकता है जो मृत्यु दर थोड़ी सी बढ़ी हुई है उसे नियंत्रित किया जा सकता है उसमें हम लोग ध्यान देना चाहिए जहां तक वैक्सीन की बात है वैक्सीन तो अब भारत सरकार जैसे आपको याद है जब शुरुआत में हुआ तो पीपीई किट भारत सरकार सप्लाई करेगी फिर आरटीपीसीआर भारत सरकार सप्लाई करेगी राज्य सरकार यदि पहल करे बोले आप नहीं खरीद सकते फिर बाद में जब नियंत्रण से बाहर हो गया तो बोले राज्य सरकार अब पीपीई किट भी खरीदे आरटीपीसीआर भी करे जांच के लिए हम लोग पुनः भेजते थे प्लेन आता था चार्टर प्लेन आता था उसे हम लोग यहाँ सैंपल लेकर पुनः भेजते थे वहां से जांच होकर आने के बाद उसको फिर डिक्लेयर करते थे कि हाँ भाई आप कोरोना संक्रमित हैं अब आप इलाज कराओ अब क्या हुआ कि अब हमारे राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया गया उसके बाद फिर एम्स में भी हुआ हमारे मेका आर एम भी हुआ मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने जांच की सुविधाएं बढ़ाई यदि इसे शुरू से कह देते कि आप लोग भी इसको डेवलप कर लें तो इतना विलंब जो हुआ है वो नहीं होता क्योंकि आपके पेंडेमिक एक्ट है वो लागू है हाँ। तो भारत सरकार के उस अधिनियम का उल्लंघन कर ही नहीं सकते वो एक्ट लागू है तो अभी भी वैक्सीन वाले मामले में भी उसी गाइडलाइन का फॉलो करेंगे जो भारत सरकार कहेगी तब भारत सरकार खरीदेगी सप्लाई लेगी टेलीविजन में चलेगा दिखाएगा कि हम लोग किए हैं उसके बाद जब नहीं सक पाएंगे तो बोले राज्य खुद खरीद ले तो फिर बाद में हम लोग खरीदेंगे क्योंकि 135 करोड़ का देश है और सब तक पहुंचना वैक्सीन किस वर्ग को पहले मिलेगा कैसे ढंग से मिलेगा कौन कंपनी देगा अभी ये भी पता नहीं है कि कितना डोज लगेगा एक डोज में ठीक हो जाएगा कि दो डोज में ठीक होगा तीन डोज में होगा अभी तक हरियाणा के मंत्री की हालत देख रहे हैं उसकी हालत और खराब हो गई है तो इसलिए भैया ये बचाव है ना वही ठीक है आप दूरी बनाकर रखें मास्क लगाएं सैनिटाइज करें और जहां थोड़ा भी आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तत्काल आप जांच करा लें उसे कम से कम आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे अपने छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रख पाएंगे
अच्छा एक चीज और, आपके इसी जवाब से मेरे मन में ये सवाल आया कि ये मैसेज भी जनता तक जाना चाहिए कि आपने किस तरह का प्रिकॉशन रखा, क्योंकि हमने देखा कि आपके आसपास कई लोगों को कोरोना हुआ लेकिन आप बचे रहे, तो अगर ये बात आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उससे प्रेरणा लेकर के बाकी लोग भी बचने का उपाय ढूंढ जान ले रहा है कि कैसे आप अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। अरे बड़ा कठिन सवाल है भाई, बहुत करुणा माता कृपा है नहीं मैं तो बहुत सबसे ज्यादा मैं मिलता हूँ लोगों से वही चीज। तो जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैंने दो तीन चीजें की, एक तो यह कि किसी से हाथ मत मिलाओ, बहुत नजदीक से बात मत करो, बात करना है तो मास्क लगा लो, और यदि किसी से नजदीक भी आ गए तो हाथ मुंह धो लो, और तीसरी बात जो खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरतो, कुछ भी मत खाओ जिससे तबीयत बिगड़े। तो इसलिए जो सुपाच्य भोजन है उसे लेते रहो। दूसरी बात है कि नियमित एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो, सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ शाम को वॉकिंग कर लेता हूँ तो वो थोड़ा सा क्षमता बने बना रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको सबको कर लेना चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। अच्छा एक सवाल रेल कॉरिडोर को लेकर के, मैं आज पढ़ रहा था अखबार में आपका बयान आया है, और उस बयान को पढ़ने के बाद ये लगता है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे? मैंने उसमें केवल एक कॉरिडोर जो है ना उसके बारे में बात की, बचत तो जो उधर कटघोरा वगैरह साइड से चल रहे हैं तो कंपनियां तो वो तैयार हैं, उसके साथ MOU हो गया है, और वो लोग रेलवे कितना देगा, राज्य सरकार कितना देगा, और कंपनियां कितनी लगाएगी, वो सब ACCL कितना लगाएगा, वो सब चीजें। ये जो कॉरिडोर है जो आपके बलौदा बाजार वगैरह होकर आना है, तो सीमेंट प्लांट वाले जो है उसे किसी से बात नहीं किया है। यहाँ 6-7 सीमेंट प्लांट है और उसी लिए कॉरिडोर लाया जा रहा है, और सीमेंट प्लांट से मैं नहीं समझता किसी भी सरकार ने, मतलब न हमारी सरकार ने किया है, न पिछली सरकार ने किया है, न उनके साथ कोई मतलब यदि बातचीत ऐसे कर लिए होंगे, लेकिन वो कितना उसमें खर्चा करेंगे वो उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं जिसका कल मैंने बात कही थी। अच्छा नक्सलवाद को लेकर के बातचीत है कि नक्सलवाद जो है उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है कि बातचीत करेंगे, बातचीत से इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब जो प्रभावित हैं जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, आपको लगता है कि उस मोर्चे पर ही आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब राज्य सरकार डिमांड करती है एडिशनल फोर्सेस की तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए फोर्स है वो सुरक्षा प्रदान करती है, लोगों में एक विश्वास पैदा होता है कि फोर्स हमारे साथ है। यदि यहाँ पुलिसिंग ठीक है, रात में सब लोग हम लोग घूम पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये विश्वास के साथ लोग घूमते भी हैं, आना जाना करते हैं। उसी प्रकार से यदि नक्सल क्षेत्र में भी फोर्स यदि डिप्लॉय हुआ है तो एक सुरक्षा की भावना होती है। दूसरी बात जो हमारी जो नीति है, हम विश्वास विकास और सुरक्षा इस त्रिवेणी को लेकर चल रहे हैं, तो हमने विश्वास जितने कोशिश की, पहले के होता यह था कि नक्सली बता के किसी को भी पकड़ लेते थे, किसी की जेल में ठोस देते थे, किसी की भी इनकाउंटर हो जाता था बता दिया था नक्सली है, गांव के गांव को उठा ले आते थे। मैंने कहा ये भोले भाले लोग हैं, इसको सताने की जरूरत नहीं, जो बड़े नेता हैं इसके उसके साथ जो व्यवहार करना है, यदि वो सरेंडर करते हैं अच्छी बात है, यदि उसको गिरफ्तार करते हैं अच्छी बात है, अब आमने सामने लड़े तो फिर गोली चलानी पड़ेगी, तो उनके साथ आपको जो करना है करिए, लेकिन गांव के भोले भाले लोगों को आपके जो कानून में अधिकार मिला उसका दुरुपयोग मत करिए। तो वो रुका। दूसरी बात है आदिवासियों को हमने वहां के रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाया कि ये सरकार आपकी सरकार है, हमने लोहानी गुड़ा जमीन वापस की, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको न केवल व्यक्तिगत पट्टे दिए बल्कि सामुदायिक दावे भी लगातार हम दे रहे हैं। अभी जैसे जसपुर बलरामपुर गए 80,000 हेक्टेयर हमने जमीन उन लोगों को सामुदायिक दावा दिया, 75,000 अंबिकापुर में बांटा, उसी प्रकार से सभी जिलों में हमने जमीन दी है सामुदायिक दायक। अब उस सामुदायिक दायक माध्यम से उसके कैसे विकास करना है हमारे पास उसकी योजना है। तो लोगों को विश्वास जीतने का काम, स्कूल बंद थे 13-13 साल से स्कूल बंद थे उसे शुरुआत की, हॉस्पिटल उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, हाट बाजार तक पहुंचा रहे हैं, तो सुविधाएं भी दे रहे हैं, तो लोगों के विश्वास जम रहा है। जैसे कोरोना काल में लघु खरीदी कैसे करें, अकबर जी बैठे हैं, कितने दौर के हमारे बैठ के नहीं हुई कि तेंदू पत्ता तो जो ठेकेदार हैं वो दूसरे प्रदेश के हैं, वो आएंगे कोरोना काल में उसको कैसे
क्वारंटाइन में रखेंगे, उसके कैसे इलाज होगा, हमारे यहाँ संक्रमण तो नहीं फैला देगा, वो सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए हम हमारे जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले 12 लाख परिवार है उसके हितों को ध्यान हमको रखना है। उसी प्रकार से महुआ कैसे खरीदना है, इमली कैसे खरीदना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने वर्कआउट किया। घंटों हम बैठते थे, चर्चाएं करते थे, सभी स्तर पे बात होती थी और उस काल में हमने इसको कर दिया। तो एक विश्वास इस सरकार के प्रति आम लोगों को बढ़ा है और अब इसी कारण से देखिए कि नक्सली गतिविधि में कमी आई है और लगातार हमारी कोशिश है कि ये सीधी बात है कि बस्तर में यदि नक्सली है तो उसकी जनसंख्या कितनी है, 1.5 लोकसभा है और 1.5 लोकसभा में 20 लाख 25 लाख, उसमें से बच्चे निकाल दीजिए या वृद्ध निकाल दीजिए तो उसकी संख्या कितनी। यदि उन लोगों को जो लोग नक्सली लोग अपने आकर्षित करते हैं उनको रोजगार दे दीजिए, तो यदि यहाँ के नेता निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नहीं है नक्सली नेता, वो सब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, महाराष्ट्र के या उड़ीसा के हैं, जो मोर्चे में लड़ते हैं वो हमारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के। यदि उन्हीं नौजवानों को आप रोजगार दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं, दूसरे काम में आप लगा देते हैं, फिर नक्सली भर्ती कौन होगा, तो नक्सली फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वाकई, लेकिन आपकी सरकार जो है, जैसे भरोसे की बात आपने कही, दिल्ली को भी बहुत भरोसा है आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी के आप पर, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां दूसरे राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पे आपको ले जा करके दिखा रहे हैं कि विकास कैसे होता है, वायदे कैसे पूरा किया जाता है। जाहिर तौर पे अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अपने आप में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नैतिक हो जाती है कि कैसे आकांक्षाओं पे खरे उतरें जो भरोसा जताया। फेवरेट राजश्री पान मसाला रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। हर मैं की खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशुआ हा, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशुआ। गांव शहर की ओर जा रहा था, घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर सब दिन एक से नहीं होते साहब, तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। है उस नेता में जो मिट्टी से बना है, किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। गाँव गाँव दिखते अंजोचे कंचाकल, गली खोचे कंचाकल, गली खोरे हो संगे मिलत किसानी, मजदूरी काम बनते जरूरी हो। किसानी कर्जा माफ कर दिया, बिजली का बिल हाफ कर दिया, राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया, नतीजा घर घर हो गए मोटर गाड़ी, भौजी पहरे रेशम साड़ी, गहना लेके खेती आड़ी हो, अब तो जम्मू संतो फेकर सिराई लेका खावते मिठाई हो, संगे छत्तीसगढ़ मां बाजते बधाई, खुस होके दादाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़ सरकार सेवा जतन सरोकार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट,
तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आर्कडेव यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आर्कडेव यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान आर्कडेव यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल, कोविड पेशेंट के आइसोलेशन एवं ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। यूनिट 1 ओल्ड धमतरी रोड सेजबहा, यूनिट 2 ओल्ड धमतरी रोड डूंडा रायपुर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी करते हैं, जब फैसला कर लिए तो फिर उसमें अडिग रहते हैं, वो हर स्थिति में फिर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे मरवाही क्यों ना हो, और उसमें सफलता मिली, जबरदस्त सफलता मिली जी। अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके यहाँ किसान संतुष्ट हैं, इसलिए वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार का स्टैंड है, और खास तौर से देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कुछ उद्योगपतियों के नाम सामने आ रहे हैं और किसानों में उनके खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, राजनीति के इस दौर को, इस समय को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि जब सरकारें कोई फैसला करती है तो किसी न किसी वर्ग को लाभ होता है। मान लो हमने 2500 रुपये खरीदने का फैसला किया तो किसानों को लाभ हुआ, यदि गोधन न्याय योजना हमने लागू किया तो गोपालकों को लाभ हुआ, यदि हम 30 रुपये किलो में हम महुआ खरीदते हैं, 4000 प्रति मानक बोरा से यदि तेंदू पत्ता खरीदते हैं तो जो लघु अनुपज संग्राहक उसको लाभ होता है। लेकिन ये जो कानून लाया गया है उससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होता तो फिर आंदोलन क्यों करते? ये लाभ उन पूंजीपतियों को होगा जिसके लिए कानून बना है, जो देश के किसान समझ चुके हैं, इसे लाभ नहीं होना, पूंजीपतियों को लाभ होगा। अब आपने कहा कि आप कितना भी जो 1955 में जो कानून बना नेहरू जी के समय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको आपने खत्म कर दिया। अब कोई भी व्यापारी कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है, उसे न राज्य सरकार कुछ कर सकती है न केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। आपको पता है कि एक समय था जी 200 रुपये किलो में दाल खरीदे थे जी, और अभी जैसे ये कानून बना प्याज के दर में जो उछाल आया, 10-20 रुपये में जो किलो खरीद रहे थे प्याज, वो 70-80 से लेकर 150 रुपये तक पहुंचा। तो ये असर आने वाला है, ये किसान केवल अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सीधा आम उपभोक्ता इसे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि वस्तुओं के जो रेट है वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगा। ये पूंजीपति लोग जो गोडाउनिंग करेंगे लाखों टन, चाहे वो अनाज गोडाउनिंग करे, चाहे वो आलू प्याज गोडाउनिंग करे, चाहे तेल का यदि गोडाउनिंग करते हैं, तो उसके बाद जो रेट खोलेंगे वो उसके हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। जो किसान लड़ रहे हैं वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इससे कांग्रेस अलग है, तो ये स्ट्रेटेजिकली ऐसा है, या फिर क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ये स्ट्रेटेजी ठीक है आपको लगता? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने आवाज उठाई, राहुल गांधी का ट्वीट निकाल के देख लीजिए, उसके बयान देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने कहा, और उसके बाद देख लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, राजस्थान ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया, उसमें पारित किया। कांग्रेस तो इसमें लड़ ही रही है, हम अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोले कि हम अराजनीतिक रहेंगे, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन उस आंदोलन में कांग्रेस का पूरा समर्थन है। अच्छा, एक जो परिस्थिति किसान आंदोलन के जरिए ज्यादा शायद नजर आ रही है कि देश की जो नीतियां हैं खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कारपोरेट की दखलंदाजी,
उसका हस्तक्षेप, उसका प्रभाव, उसके इंटरेस्ट बढ़ गए हैं और वो साफ तौर से नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का संतुलन होना चाहिए? देखिए, सीधी बात है कि देश हमारे सामने पहले है, देश के नागरिक हमारे सामने पहले होना चाहिए। जो नीतियां बने वो सबको लाभ मिले, उस नीति के तहत किसी व्यापारी को लाभ मिल जाता, किसी उद्योगपति को लाभ मिल जाता, मिले उद्योग के लिए अलग नीति बने। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में हमारी ऐसा नहीं कि हम केवल किसानों को काम कर रहे हैं, हम केवल व्यापारी केवल मजदूरों को काम कर रहे हैं। आपने देखा गुमास्ता एक्ट में हमने संशोधन किया, यहाँ कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन की दर कम कर दी, स्टाम्प शुल्क में हमने कमी कर दी, रजिस्ट्री फीस में कमी की, कितने आप लोगों को शहर में फायदा हुआ, बिजली में सबको लाभ मिला। और अभी जो उद्योग नीति 2019 हमने लाया, 60-150% तक की सब्सिडी मिल रहा है। और आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 70 MU हमने किया, लगभग 50,000 करोड़ के। हमको इन्वेस्टर मीट नहीं किए, हम किसी शहर में जाके किसी देश में जाकर रोड शो नहीं किए। हमारी नीति ऐसी है कि सारे उद्योगपति आके स्वयं MU कर रहे हैं और सारे उद्योगपति अब जमीन खोज रहे हैं कि हम कहाँ पे लगाएं, क्योंकि नीति इतनी अच्छी है। वो खुद कहते हैं कि यदि इस नीति के तहत हम उद्योग नहीं लगा पाए तो फिर कभी नहीं लगा सकते। तो हमारी नीति सबको साथ में लेके सबको आगे बढ़ाना है, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो। किसी एक मंच में मुझे कहा कि आपने किसानों के लिए कर दिया, मजदूरों के लिए कर दिया, व्यापारी बोले हमारे लिए क्या किया। मैंने कहा कि भैया व्यापारियों से कहा कि आपके जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। और वही कारण है कि छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। क्या आप जूता चप्पल की दुकान देख लीजिए, दीपावली में कितनी बिक्री हुई। आप किसी भी आप कपड़े दुकान में चल दीजिए, वहां कितनी बिक्री। सराफा के बारे में पूछना नहीं, हमारी जो बहनें खूब सोना चांदी खरीदे भाई अपने घर वालों से, बहुओं के लिए भी। तो मोटरसाइकिल देख लीजिए, ट्रैक्टर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो लोगों के पास पैसा गया ना, तो ये पैसा सब आखिर बाजार में आया, और बाजार इसीलिए छत्तीसगढ़ कर रहा हूं ना। ये 2 साल हो चुके हैं, तो एक सवाल ये भी जहन में आता है कि 2 साल के बाद क्या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, मंत्रियों के विभाग बदले जाएं, समीक्षा की जरूरत है? किस तरह से आप समीक्षा भी करते हैं ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जैसा कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि लगातार आप किसी योजना को सिर्फ लागू करना ऐसा नहीं है, उस पर सतत मॉनिटरिंग करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये अपेक्षा भी आप अपने मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगियों से करते होंगे। सभी हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और सबको साथ मिले कर रहे हैं। और पूरे कोरोना काल में देख लीजिए कि लगातार हमने कैबिनेट की बैठक भी की है, वर्चुअल भी किया, जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो हम अपने अपने निवास स्थान से सब जुड़े, लेकिन कैबिनेट को हम रोके नहीं। दूसरा, विभागों की समीक्षा लगातार, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें हम लोग समीक्षा नहीं किए हों, और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार होना है, उस सब में लगातार चर्चा होती रही। तो ये जितने रिजल्ट आए तो हमारे मंत्रियों को ही श्रेय जाएगा, तो पूरे मंत्रिमंडल को श्रेय जाता है। हर विभाग ने काम कर, जैसे अभी बंद थी सारी दुकानें, उसके बाद लघु वनोपज खरीदी के 74%, लेकिन पूरे देश में सर्वाधिक है। तो वन विभाग ने काम किया, वन मंत्री ने काम किया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखें, यदि आज हमारे पुलिस जवान, मैं तो देखता हूं कि सबसे ज्यादा नेताओं के बाद कोई गाली खाता है तो पुलिस वाले खाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जितनी प्रशंसा हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस की हुई उसके पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि चौक चौराहे में भरे दोपहर में लोगों की जो सेवाएं की हमारे जवान, हमारे अधिकारी, वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। तो अब मैं कहूं कि पुलिस ने अच्छा काम किया, गृह मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, ये गलत बात होगी ना। तो सबने अच्छा काम किया, सब लोग मिलकर काम किए। और जब मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात होगी, हाईकमान जिस दिन आदेश करे उस दिन हो जाएगा। 2 साल हम देख रहे हैं एक देशी सरकार है, लेकिन जो नौकरशाह होता है, जिसके जिम्मे होता है कि तमाम जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये माना जाता है कि नौकरशाही के साथ एक दिक्कत है कि उसका जो एलीट कल्चर है वो हर बार उसे रोकता है। एक देशी मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए क्या बदलाव नौकरशाही में आप देखते हैं, और क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए कि नरवा गरवा घुरवा बारी को वो अपनी स्कीम समझें, जो विजन आपका है उसको वो समझें और जैसा आप चाहते हैं वैसा इंप्लीमेंट करें,
या कहीं ना कहीं लगता है कि नौकरशाही का जो एलिट कल्चर है वो रुकावट है? देखिए, वो जो अंतर है उसको हमने खत्म किया। अब ना, अभी सरगुजा गया था तो वहां जो कलेक्टर है संजीव झा जी, वो रहने वाले बिहार के, लेकिन छत्तीसगढ़ी में आभार प्रदर्शन किया है। रायपुर में जब हमारे यूथ फेस्टिवल हुआ और हम राज्योत्सव हमने मनाया, तो साउथ इंडियन के अधिकारी हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिख के ला के आभार प्रदर्शन किया। तो जब अधिकारी, नेता और आम जनता एक ही भाषा में बोले तो फिर अंतर कहाँ रह जाता? तो वो दूरी खत्म करने का काम हमने किया भाषा के माध्यम से। वो दूरी अब खत्म होती जा रही, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म ही हो गया, लेकिन वो दूरियां खत्म होती जा रही है। तो ये हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि आपको ये अवसर मिला है कि आप जिस पद में बैठे हैं उसके साथ न्याय करें और जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं उसे पूरा करें। तो मैं समझता हूं आपको जॉब सर्टिफिकेशन मिलेगा। यदि आप अपने पद के साथ न्याय नहीं करेंगे, कई लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, मैं बोला आप अपने साथ, अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो आपको रहने की जरूरत नहीं, दूसरा अधिकारी आग बैठेगा वो काम करेगा, वो सजा थोड़ी है ट्रांसफर करना। पिछले सरकार में तो दो दो साल लग जाता था ट्रांसफर करने में, सोचते दो साल लग जाता था, ट्रांसफर होता ही नहीं था। लेकिन इस समय नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से उसको आगे मौका मिल रहा है, जो नहीं कर रहे हैं अड़ंगा डालते हैं। भैया आप अड़ंगा डाल रहे हो तो अब जाओ। वो लगातार हमने देखा है कि हाँ, कई बार तबादले, आप गोबर खरीद की व्यवस्था आप नहीं समझ पा रहे तब दूसरा काम कर लो जी। अच्छा, एक चीज, जो चीज, जो विकास का आपका कॉन्सेप्ट है और ये बल्कि सुझाव नुमा सवाल है, हम चमचमाती, हमारा जो पूरी आबादी है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सड़क जो है वो मेन मार्ग है हमारे उसका, क्योंकि आप पहले परिवहन मंत्री भी रहे हैं, हमारे बस स्टैंड चमचमाते क्यों नहीं होने चाहिए, आधुनिक क्यों नहीं होने चाहिए, हमारा बस स्टैंड ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जब चमचमाने की बात हो तो हम एयरपोर्ट या मॉल की तरफ देखें, जहां पे आम आदमी को तमाम सुविधाएं हों, सिर्फ चमचमाने से मतलब अच्छी बिल्डिंग नहीं, वो तमाम सुविधाएं हों कि उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला, रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you, as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. इस सुविधाएं आम जो यात्री है उसे मिल सके, ये हमारी कोशिश होगी। एक सवाल गांधी परिवार से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा। कांग्रेस में ये माना जाता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गांधी परिवार का विकल्प नहीं है, जनमानस में जो जगह है उनकी वो कायम है और वो परंपरा से चली आ रही है, लेकिन बीजेपी में एक फुल टाइमर जो संघ का सदस्य है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मीडिया, कारपोरेट, इन सब के जरिए हीरो की तरह उनको पेश करता है, फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बुनियादी सवालों से देश का ध्यान हट जाता है फिर भी वो हीरो बने रहते हैं और उनकी जयकार होती रहती है, क्या कांग्रेस में भी इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, उनके जो, यदि आरएसएस और बीजेपी, अब बीजेपी कहेंगे आरएसएस कहेंगे, तो 1925 में इनका गठन हुआ है, तब से देखें कि वो केवल अफवाह फैलाने का काम करते हैं, कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे अफवाह फैलाया जाए, कैसे किसी को डिफेम किया जाए, इसमें पूरा जोर लगाते हैं। कांग्रेस के कल्चर क्या रहा कि हम हर स्थिति में आम लोगों को सुविधाएं कैसे दे सकें, उसके जीवन स्तर कैसे उठा सकें, देश के आजादी की लड़ाई से लेकर नव निर्माण तक, नेहरू जी जब नव निर्माण कर रहे थे और उसके बाद इंदिरा जी, फिर राजीव जी, ये पूरा आप देखेंगे तो कैसे लोगों को हम
ताकतवर बना सकें, कैसे अधिकार संपन्न बना सकें, इस पे हमारा जोर रहा है जी। और इनका ये रहा है कि मूर्ति भंजन कैसे किया जाए, जो तस्वीर लोगों के मन में बन गई है उसको कैसे खंडित करें, इसी में पूरा ताकत ये लोग लगाए हैं। बिना नेहरू गांधी परिवार को की आलोचना किए बिना किसी भी संघी या भाजपेया के पेट का पानी नहीं पचता, वो वहीं से शुरू करते हैं कि ये क्यों। तो ऐसा कोई परिवार बता दो जिसके घर में जितने सदस्य हैं सब जेल यात्री हैं आजादी की लड़ाई में, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, कमला नेहरू हो, विजयलक्ष्मी पंडित हो, जितने भी हों सब जेल यात्री, उन्होंने सब कुछ जितने भी ऐशोआराम की चीजें हैं उसको सबको त्याग दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे एकाध कोई भाजपा वाले बता दें कि देश के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा कोई बता दें जिसके लिए देश के कितना अखंडता के लिए अपने प्राणों की निछावर किया हो, इंदिरा जी और राजीव जी, ऐसा कोई उदाहरण उनके पास है? जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया उस परिवार के क्या तुलना कर सकते हैं, और उसकी उस परिवार के प्रति हमारे अटूट आस्था निष्ठा है, इसको बदल नहीं सकता। आपके पास कोई उदाहरण हो बता दो ना, आपके पास तो एक है जिसके बारे में जो अंग्रेजों से बार बार माफी मांगा, वो आपके वीर हैं। तो हमारे लिए वीर नहीं हो सकते, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते, वो निश्चित रूप से जेल जाने के पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल माफी मांगने के बाद क्या आपकी भूमिका क्या रही? जो अंग्रेजों के जो जो उनके सूत्र वाक्य थे, फूट डालो और राज करो, तो आपने फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसमें आप आपकी भागीदारी रही। एक तरफ सावरकर थे, दूसरे तरफ जिन्ना थे, और यही काम अंग्रेज दोनों के माध्यम से हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे और वो राज कर रहे थे, उसमें वो सफल रहे। और यही बात जो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा कि देश में ट्रायंगल है, पहला एंगल हिंदू, दूसरा एंगल मुसलमान, तीसरा एंगल अंग्रेज। यदि हिंदू और मुसलमान को एक साथ जोड़ दो तो अंग्रेजों को भगाने में आसानी होगी, और इसी बढ़ाने का काम महात्मा गांधी ने किया। और जिस दिन एक जोड़ के हम लोग लड़े तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, और आज भी उसी बात को फूट डालो और राज करो, आप मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दो, हिंदू वोट अपना एक तरफ हो जाता, राज करो भले उसके बाद नोटबंदी करो, चाहे वो लॉकडाउन करो, चाहे जीएसटी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो ये देश के लिए घातक है। महात्मा गांधी सिद्धांत क्या है कि आप सबको साथ मिले चलो, सब एक हैं। ये देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा बोली कर रहे, बोलने वाले लोग हैं, और हजारों साल से देश में रह रहे हैं। ये देश है, सबको पचा लेता है, या किसी धर्म जाति के मानने वाले हों, सब लोग आए, सब यहाँ रज बस गए, ये हिंदुस्तान है, और उसको आप खंडित कर रहे हैं। तो ये जो आपके जो सिद्धांत है वो देश के लिए घातक है। आप सरकार तो बना सकते हैं लेकिन देश घाटे में रहेगा, नुकसान होने जाएगा और टूट भी जाएगा जाहिर तौर पर। ये बड़ा दिल टूटेगा तो फिर दिलों में आप खराश पैदा कर रहे हैं ना जी, तो वो बहुत नुकसानदायक है देश के लिए। और इसी देश के एकता अखंडता तक के लिए इंदिरा जी ने हमने प्राणों की बलिदान दी, राजीव जी ने प्राणों की बलिदान दी, महात्मा गांधी को मारा गया इसीलिए मारा गया कि ये एकता की बात कर रहे हैं जी हाँ। अब चूंकि काफी लोग हैं हमारे बीच में जो सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल उनसे भी ले लेते हैं, एक दो चार सवाल ले लेंगे। एक सवाल ये, चूंकि मीडिया को लेकर के राष्ट्रीय मीडिया की खासतौर से बड़ी आलोचना की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? जब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकी साथियों से कि वो माइक लेकर के जो सवाल पूछना चाहते हैं वो हाथ उठा लें। इस बीच में सीएम साहब से मीडिया को लेकर के सवाल पूछ लेते हैं कि देश की जो मीडिया है उसको किस तरह से देखते हैं, और मीडिया कर्मी जो हैं और उसमें एक हिस्सा मालिकानों का है, तो इस फर्क को दर्ज करते हैं क्या? हाँ भैया पाप पर है, प्रणाम कोते के दिन बोला सर ये दे रहे भैया नाम बताइए शशिकांत चंद्राकर बताओ शशि भाई। हाँ भैया, जैसे लड़कापन से हम पढ़त आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के 70% आबादी है खेती पर आधारित है,
अब ये बात 47 से पहली से भी पढ़े हुए ही और लगातार पढ़ते आते हैं, लेकिन अभी तक के जो परिदृश्य बने हैं पूरा देश में, मैं कोई पार्टी विशेष के बात नहीं करना चाहूं, जो भी पार्टी शासन में आई हुई, कभी ऐसे योजना काबर नहीं बनी कि किसान एक बार हाथ फैलाई होकर बाद गमछा फैलाई अब चादर फैलाए वाला हो गया। हर बार किसान के एक्सपेक्टेशन सरकार से बढ़ते जाते, कम नहीं होते। तो आखिर पूरा सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र किसान मन पर अभी तक का करे है, और ऊपर हाथ जो ज्यादा फैले थे सिकुड़े में और कैसा लगे। धन्यवाद। मैं तो बात से सहमत नहीं हूँ, थोड़ा से इतिहास ला देखबे। जब हिंदुस्तान ला सोना चिड़िया कहा जाते थे, तो सोना की चिड़िया जब कहे जाते थे ना, तो हिंदुस्तान में कृषि पे निर्भरता केवल 35% रही थी। वो समय उद्योग व्यापार के हिस्सा 65% रही थे। समय हर गांव में चाहे लोहार करे चाहे बुनकर करे सब जन काम कराते थे। पूरा साउथ में आप देखे औषधि के नाम से, पूरा मसाला के नाम से, मसाला हमारे यूरोप तक के यात्री से, चीन तक के यात्री से पूरा मसाला। तो ये हमार निर्भरता थे कृषि ऊपर निर्भरता थे ना, केवल 35% रही से। 65% निर्भरता हमार उद्योग व्यापार ऊपर रही से। लेकिन अंग्रेज मन है लगातार हमार मन के जिन उद्योग धंधा है ओला सब खत्म कर दी, ओकर बाद निर्भरता केवल किसी ऊपर आ गए। वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हुई हमारे जिन हुनर है तेन अंग्रेज मन खत्म करी, हमार व्यापार ला खत्म करी। ओकर कारण से हमार मन की स्थिति ये हो गई कि किसान अब हो गए का कि हमार निर्भरता आजादी आत आत निर्भरता पूरा खेती किसानी पर हो गए, और ओकर कारण पूरा लोड है तेन किसान ऊपर आ गए, और वो जिन है तेन हमारे पर नुकसानदायक हुई। लेकिन अब निर्भरता जब है तो फिर वो लोग मजबूती देने लगी, वो फिर दौर है इसके अनाज हमारे यहाँ कमी हो गए, अनाज की कमी हुई तो फिर कृषि आंदोलन चली तेजी से, जनसंख्या बढ़ी, हमारा अनाज की जरूरत पड़ी। उस समय ये सब हरित क्रांति का आंदोलन चली, किसान मन उत्पादन बढ़े। अब सवाल ये बात के कि ये जिन उत्पादन है, अब इंदिरा जी का आह्वान पे किसान मन तो कर दी, मनमोहन सिंह सरकार रही तो बोनस दे के और समर्थन मूल्य बढ़ा के भी किसान मन प्रोत्साहित करी। अब अतेक अनाज उत्पादन हो गए कि 3 साल तक के भी कहूँ अकाल पड़ गए तो हिंदुस्तान के जनता पर अनाज की कमी नहीं है, अतेक एफसीआई गोडाउन में भरे पड़े। अब सवाल ये है कि वो अनाज ला का किया जाए, या किसान मन के जिन रेट है जिन समर्थन मूल्य नहीं मिल पाते ओकर वर्ग कैसे ढंग से किया जाए। और वही पाया कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 1.5 साल से भारत सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि हमला जिन अतिशेष जिन धान बचे है तेकर पर एथनॉल बना के अनुमति दे, ताकि किसान ऊपर भी बोझ न पड़े, किसान ऊपर उत्पादन के लाभ मिलत रहे, दूसरा तरफ राज्य सरकार के ऊपर लोड मत पड़े, और तीसरा तरफ भारत सरकार के बोझ भी हल्का हो, और विदेशी धन जिन हम पेट्रोलियम पदार्थ ले सन वो में भी कमी आए। तो ये ला सरकार स्वीकार करे पर तैयार है। तो अब हर स्थिति में एक प्रकार के निर्णय उचित नहीं है, समय बदलते तेकर हिसाब से हमें परिस्थिति हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो वो काम अभी वर्तमान सरकार नहीं कर रहा था जेकर कहां से स्थिति निर्मित होते चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री साहब। माननीय सीएम साहब से एक प्रश्न था जी, कहां से बोल रहे हैं? विवेक सारस्वत, जीएसटी कंसल्टेंट, चैंबर ऑफ कॉमर्स से। जी माननीय सीएम साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, जीएसटी रेवेन्यू में जो हमारी ग्रोथ आई है उसमें छत्तीसगढ़ शासन की क्या स्ट्रेटजी रही कि कोरोना काल में भी हम बहुत सक्सेसफुली रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ा सके? दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जो कंपनसेशन हमको प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसमें हमारे राज्य की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो केंद्र सरकार के हमको समय समय पर नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार। देखिए, मैंने पहले ही कहा कोरोना काल में हमने सभी वर्गों को साथ में लिया। आपको याद होगा कि हमारे सारे कलेक्टर हैं, उन्होंने उद्योगपतियों से बात की, उद्योगपति से व्यापारियों से मैंने भी बात की, हमारे मंत्री लोग भी बात किए, प्रभारी मंत्री ने बात की, और यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ से जाने वाले मजदूर हैं अपने राज्य में उसकी संख्या केवल 26,000 है। तो हमारे मजदूरों को उद्योगपतियों ने
रखने का काम किया, एक महीने का तनख्वाह भी देने के लिए काम किया, राशन देने का काम किया। बहुत सारे उद्योगपति हैं अपने ही जो कैंपस है उसमें उसके रहने होने की व्यवस्था की, और यही कारण है कि पूरे देश में उद्योग जहां बंद रहे मजदूर नहीं होने के कारण से और इंजीनियर नहीं होने के कारण से, स्किल लेबर नहीं होने के कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में हमने वातावरण बनाया। 23 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ और उसके बाद 23 अप्रैल के सारे उद्योग शुरू हो गए। आपको यह भी स्मरण होगा कि जितने भी बड़े उद्योग हैं, भिलाई स्टील प्लांट के हो गए, नीकोक हो गए, जिंदल के हो गए या गोदावरी हो गए, सारडा हो गए, ये 70% तब भी काम कर रहे थे, उस समय बंद नहीं हुए थे। छोटे प्लांट जरूर बंद हुए थे लेकिन एक ही महीने बंद हुआ और 23 अप्रैल को हमने उसको शुरू करवा दिया और देश में इस्पात उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम रहा। आपको यह भी स्मरण होगा कि जब कटघोरा में रेड जोन घोषित कर दिया गया था, हॉट स्पॉट था पूरे छत्तीसगढ़ में, जो हमारे कोरबा के मुख्यालय मतलब मुख्य दरवाजा समझ लीजिए, वहीं से कोयला निकलता है, चाहे ट्रक से निकले चाहे ट्रेन से निकले, लोग मांग करने लगे तो कोरबा में लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। हमने कहा कि कोयला का आपूर्ति नहीं होगी तो न छत्तीसगढ़ को भी नुकसान होगा और पूरा इस राज्य इस खदान से जितने भी राज्यों में कोयला जाता है वो सब प्रभावित होंगे। हम हर हालत में कोरबा खदानों को बंद नहीं करेंगे और बंद नहीं होने दिया। इस कारण से हमारे यहाँ उद्योग माइनिंग भी देखिए, स्टील के माइनिंग भी जितनी जरूरत है वो माइनिंग चलता रहा, 60% 70% क्षमता के साथ हमारी स्टील उत्पादन भी आयरन ओर के भी खनन होते रहे। तो जो हमारी नीति रही है और लोगों को सहयोग लेके जो हम लोग चले हैं उसके कारण से हमारे जीएसटी में कोई कमी नहीं आई। अब दूसरी बात, केंद्र सरकार को जो लोकसभा में पारित किया एक्ट बनाया कि जहां जो उत्पादक राज्य है उसकी जीएसटी कंपनसेट करेंगे, 5 साल तक करेंगे, और अभी जो जीएसटी काउंसिल उसके माध्यम से उसको बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप शेष भारत सरकार वसूल रही है तो लोन भी भारत सरकार ले, भारत सरकार को पैसा नहीं है देने के लिए तो कहती है राज्य सरकारों को आप लोन ले लें। हमने कहा हम क्यों लोन लें जब शेष आप वसूली कर रहे हैं और तो फिर कंपनी से पैसा भी आप देंगे तो आप ही किस्त हमारा पटाइए, आप लोन लेकर हमको दे दीजिए। आखिर में सरकार भारत सरकार हमारी बात मानी और ब्याज लेकर पैसा दे रहे हैं। पहले तो मना कर दिए थे लेकिन अब वो बात हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री साहब, इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दिया और सवाल का जवाब देना ही दरअसल डेमोक्रेसी की बुनियाद है। क्योंकि इस वक्त ये भी सवाल उठ रहा है कि सवालों के जवाब से कौन उसका सामना करता है और कौन उन सवालों से बचने की कोशिश करता है, ये भी एक नैरेटिव है। और मुख्यमंत्री अनुराधा जी, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और रुपेश जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ lalluram.com और स्वराज एक्सप्रेस के चेयरमैन श्री नमित जैन जी को। रुपेश जी के सवालात और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जवाब ने छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं के एक नए द्वार को खोला है। बात है स्वाभिमान के, स्वराज एक्सप्रेस और lalluram.com के इस कॉन्क्लेव में चर्चा हो रही थी अभी छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से। स्वाभिमानी इसलिए कि राज्य के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं को बहुत ही कम समय में उन्होंने पहुंचाया है और राज्य के पिछड़े वर्ग के स्वाभिमान को वापस लाकर मुख्य धारा में जोड़ने का अभिनव और अनुकरणीय कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य की जनता स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आपको साधुवाद देती है। और इसी के साथ अब मैं जोरदार तालियों की आवाज और पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ शेखावटी राजस्थान से पधारे देश के सुप्रसिद्ध कवि व्यंगकार श्री संपत सरल जी को। संपत जी अपनी कविताओं से, अपने व्यंग से हम सभी को सराबोर करेंगे और
जब बात हो रही है स्वाभिमान के, जब बात हो रही है अभिमान की, तो ये अवसर है उसके उत्सव को मनाने का, उसके उल्लास को व्यक्त करने का। और इसी के साथ मैं ये मंच सौंपती हूँ देश के प्रसिद्ध कवि श्री संपत सरल जी को।